कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत, कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ले खुलासा कर दूं तेरे लिए, गरीबदास जी कहते हैं, युग सत कबीर परमात्मा जो है ये पूर्ण ब्रह्म, ये खुलासा कर दिया तेरे ते, ये पूर्ण ब्रह्म है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, दिल खोज यानी गहराई तो सोच इस विचार बात कर, मैं जो कह रहा हूं इस पर, और निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म है, ये तेरा गमन खोल गदर दिया, खुलासा कर दिया। कह दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो, तेरे गुण रासा है। इन पत्थर पूजा न पटक दो, यानी शास्त्र विर साधना छोड़ दो, और तुम डारो त्रिगुण पासा है। ये जो त्रिगुण तीनों देवताओं की पूजा तुम करते हो, इसको भी डार दो, गेर दो ठाक। अब कहां तक काल ने बिगाड़ दिया। बंगी भड़वे नहीं भय माने, बीतेगी आन सही सिर पर, कक्कड़ है काल बिहाल करे, टूटेगी छान पड़े धड़ पर। कहते हैं नालायक मानते नहीं मेरी बात ने, और जब सिर पर बीतेंगी जो मैं कह रहा हूं, ये सच्चाई होगी तुम्हारे साथ में, और टूटेगी छान पड़े धड़ पर, यानी तेरा ही वजन तेरे, जिसने तू जिन साधनाओं को तू प्रोटेक्शन की मान रहा, या इतने मारेगी, इसमें बहुत पाप हो जाएंगे, भक्ति हो को नहीं। फिर क्या करता, बंकी पगड़ी मुख पान चबे, क्या फिरता चलम लिए कर पे, पोसत प्रभात पिसावत है, टुक फीम लई अमली अड़ पर। अब नशा करने लग गया, नशा की लाकर नशार अच्छी बढ़िया अच्छी पगड़ी गाड़ कर, अच्छी बढ़िया धोती गाड़ कर, नए कपड़े, फिर नू कह ओका बरन चल लिया कर, नू कह चलम लिए फिर कर पे, और पोसत प्रभात पिसावत है, पोसत वो भांग का चूरा सा वो है कि उसने खान फांका मार कर पानी पिया कर पोषत कर, और फिर फीम खाओ, यानी ऐसे ऐसे नशे तू कर रहा है, हर भगवान से कोसों दूर हो गया। घर क्यों को खुरकावत है, कोई आवत ना अमली भड़ पर, कह दास गरीब विटंब मुआ, जम आक दिया अमली जड़ पर। घर वाले कहें भाई कुछ कह दे तू, क्यों नाश करे है तेन, क्यों खुरका दे घर क्या ने, घर क्या को खुरकावत है, कोई आवत ना अमली अड़ बड़ पर, उस अमली का आगे कौन फिर आओ, कोई ना एक दो बह कहें तो सिर फोड़ ना बचे। तो कहते हैं फिर ब्रह्म माटी होगी, पापी प्रभात ना बेटे, मुख देखे पाप लगे जा का। ओहो कहते हैं भगवान ईसा पापी सुबेरे सुबेरे ना मिलियो, पापी पर बात नहीं बैठे, मुख देखे पाप लगे जा का, जननी नो मास गर्भ त्रास देई, धक्कार जन्म उसकी माँ का। कहते ईसा निकम्मा भगवान किसे के ना पैदा करियो, अपनी माँ का जीवन भी बर्बाद कर दिया, जिसने नौ मास गर्भ में रखा, अनुवास करी थी, मेरा बेटा बेटी लायक होंगे, पैदा होगा, मैं उन पाड़ पोसूंगी, मेरी सुख देगा मुझे। पापी प्रभात नहीं बैठ, मुख देखे पाप लगे जा का, जननी नो मास गर्भ त्रास देई, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। चौरासी कुंड पड़े पापी, हो जुगन जुगन कुंभी ना का, गर्भ छेदन भेदन पीड़ लगे, मिटता नहीं इच्छा का टाका।
जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका। जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका। कह दास गरीब धरु बूझ भैया भया तीन लोक साबत साका। जिस रस्ते जिस शेरी कहते हैं वो 84 कुंड पड़े पापी अर जुगन जुगन कुंभी नाका। कुंभी नरक सबसे खतरनाक नरक है कहते करा कितने युगों तक उस पापी को उस नरक में डाला जाएगा। और जिस शेरी साधु संत गए जिस रस्ते पर संत भगत चलते हैं जो मार्ग बुराइयां तो दूर होकर भक्ति करते हैं डरते हैं पाप से कहते वो मार्ग अति कठिन बाका। वो कठिन न्यू है कि वह गुटी छुट्टी ना टूटती और कठिन की है इसमें या कठिन न्यू बन गया वह गुटी छुटती नहीं बकवास छुटती नहीं ताश खेलने छुटते नहीं है गप्पे मारने छुटते नहीं सिनेमा सांगी ये छोड़ने पार पड़ेगी ये तो गदा अपने पाचे फिर कौन तेरी खातिर वो बरके लाओगा चलम भाई ये तो फिर छूटेंगे। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही छोड़ देगा जब इसको ये ज्ञान होगा कि तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। सुख सागर नान चलो हंसा भव सागर भूल रहे लोई कुल काट लग्या जम आने ठग्या अगली पछली सब ही खोई। निंदत निम्मी निर्मा निर्तालिये कुछ समझत नहीं गुरु द्रोही संतों का दोष धरे दिल में अग पाप के बीज बहुत बोई। सुसरे सालों हितकार करें सासु साली कोई नण दोई जगलड़ में है प्रतीत बोले नहीं साच जगत बोले नहीं साच जगत धोई। लंगड़े बड़वे नि भेद लहें गुज बीरज मंत्र हम गोई साधु माखण मद छाक रहे जग पीवत है पिछली छोई। दिन आवत है सुन दंग भया जम तलब छुटी जब रोवत है कह दास गरीब जगा रहे मूर्ख निस्वासर सोवत है। सुख सागर नान चलो अंसा भव सागर भूल रहे लोई सुख सागर वो सतलोक में चलो। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई सतलोक में। पुण्यात्माओं हम यहां इतने दुखी हैं कितने दुखी हैं और सतलोक में कितना सुख है उसकी एक जरा सी तुलना से समझ लेना। बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। कभी कभी किसी दिन कुछ ही अक्षण के लिए एक मेहर की लहर आती है मन में इतनी खुशी उमंग सी उठती है दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता सबके प्यार प्रति मेहर दया उमड़ उठती है। लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की और मन चाहता है कि आज सारा दिन ईसाई मन बना रहे ऐसी आत्मा में हिलोर उठती रहे वो न्यारा आनंद है लेकिन वह नहीं रहती है। कुछ ही क्षणों के बाद फिर वो ज्यों के तो राग द्वेष खेचा ताणी नो कर दूंगा ऐसे कर दूंगा वो टोटा हो गया थोड़ा नाश कर दिया फेल हो गया यानी वो कैर की लहर फिर शुरू हो जाती। तो ऐसी लहर वहां शंखों हैं जो मेहर वाली लहरें कहाँ सुख सागर में। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां उसी के लिए कहते हैं सुख सागर नान चलो अंसा बो सागर भूल रहे लोई कुल काट लग्या जम आन ठग्या अगली पछली सब खोई। कि तू इस कुटुंब के अंदर ही इतना विचलित हो गया अगली पिछली सारी खोई। अगली कौन सी जो भविष्य की कमाई करनी थी वह बनी नहीं
और पिछले कोई पुण्य थे वह बर्बाद कर दिए, उसकी मलाई खाली, यहीं पर सुख तुझे तो मिल रहा है, अगली पिछली सब खोई। निंदत नेमी निरतालिए, कुछ समझत नहीं है गुरुद्रोही। जो कुछ भक्ति करते हैं वह गुरुद्रोही हैं, क्योंकि परम संत से विमुख रहने से वो सत भक्ति नहीं कर रहे, उनका नो काम बिगड़ गया। संतों का दोष धरे दिल में, अग पाप के बीज बहुत बोई। आप तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो कति गलत, और संत की निंदा करते हैं, संतों के प्रति दोष मन में दोष रखते हैं, बड़े बुरे विचार रखते हैं, वो पाप और बोलिए। अग पाप के बीज बहुत बोई, अग माने पाप। सुसरे सालों हितकार करें, सासु साली कोई नण दोई। जगलड़ में है प्रतीत नहीं, जगलड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत धोई। संतों ने भक्तों को की तो मजाक कर रहे, इन्हें कहे उड़ जा तीसरे दिन बरवाड़ा आश्रम में, क्या रखा वहां पर, करकना खाया जाता। और सुसरे साले और सासु साड़ी यानी नंदोई मित्र प्यारे, इनमें प्रीत और ये इसे है, कदे भी साची नहीं बोलने एक दूसरे का, अगर कुछ ना कुछ धोखा यानी मन में खोट रख कर बात करेंगे, और उनने यू अपने मान रहा है, यानी सारे उल्टे काम कर रखा है। जब तक इसको ज्ञान नहीं होता, बुरा नहीं है कि हम किसी रिश्तेदार से विमुख हुआ, लेकिन सच्चाई यही है जो परमात्मा की वाणी बोल रही। कितना प्यारा रिश्तेदार हो, कितना मित्र हो, मन में गुंडी जरूर रखेगा। ये माता पिता पुत्रों और पुत्री से रखेगा, माता पिता कारण कुछ भी हो, बच्चों को सारा भेद दे दिया, कदे नुकसान ना कर दें, बालक से कितने बिगड़ ना जा, और बच्चे माता पिता से गुंडी रखेंगे अवश्य, कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं, चाहे ऊपर तक कितने प्यारे बोले जा, ऐसा है यहाँ का। तो ये सारा सारा कुछ जुगाड़ सा जुड़ रहा है, पर इस जुगाड़ में अपनी भक्ति कर लो, ये तो जो भी है जैसा भी है ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, लेकिन भक्ति करने से फिर मन में सफाई आने लग जाएगी, अंदर से जो हमारा विकार है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम सच्चे दिल से अपने नातों को भी निभाएंगे। जग लड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत होई। चैन में संसारिक जो लगन में तो तेरी प्रतीत है, और ये जगत आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा रख के ही बात करता है, साची नहीं बोल सकता है। लंगड़े भड़वे नहीं भेद, भेद लहें गुज बीर जमंतर हम गोई। लंगड़े लंगड़े का अर्थ है जो नकली से हो ना, एक तो ठीक आदमी चलता है, वो दोनों टांग दोनों कदम पैर ठीक हैं उसके। लंगड़े वो हैं जो भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं और गुरु बन गए, कहते वो नहीं मानने इन बातों को, वो अपनी ही तड़गड़मबाजी में उलझे रहेंगे। लंगड़े भरवे नहीं भेद लहें गुज बीरज मंत्र हम गोई। वो गुज बीरज वो खास मंत्र हमने बता दिया और उसको भी नहीं मानते ये। और साधु माखन मद छाक रहे, जग पीवत है पिछली छोई। जो भक्त आत्मा है वो मक्खन खा रहे हैं भगवान की भक्ति का, और संसार जिस सुख को संसार संसारिक सुख समझता है कार कोठियों ने, कहते ये तो लस्सी पी रहा है पाछे की बची हुई, मक्खन तो संत खा रहे, ये सुख इतना मानो। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान समझा रहे थे, तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या और भी भगवान है जो आप बता रहे हो, कोई सुख का स्थान है? परमेश्वर ने कहा हाँ बच्चा, मैं उसी स्थान से आया हूँ, और वो स्थान वो है जहाँ तुम पहले रहते थे, जहाँ तुम पहले रहा करते थे। बेटा ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा स्थान स्थाई नहीं है,
तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने, सृष्टि रचना का ज्ञान दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा, प्रभु अपने दास को आपका गांव दिखा दो। अब परमात्मा ने गवाह बनाने थे वर्तमान के लिए, इस जो अब वर्तमान समय है इसके लिए वो गवाह बनाकर परमात्मा तैयार करके गए थे कि जब ये भक्ति युग आवेगा, पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, मेरे बच्चों मुझे पहचान लेंगे कि यू ऐसा वो भगवान जिसमें सारे वेद उसके गुण गा रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, वो परमात्मा जब बालक रूप शिशु रूप धारण करता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता। और ऐसे भी कभी आते हैं कुछ समय के लिए अस्थाई, एक दिन दो दिन दस दिन किसी क्षेत्र में रुक गए, वहाँ भक्तों को सत्संग सुनाया गया अपनी प्यारी आत्माओं को, तो वहाँ फिर कभी कभी फिर आते रहते हैं। उनका ये पता नहीं लगता कि वो संत कित का है, कौन है, और उनको लाभ बहुत दे देते हैं, साथ में उनको सत भक्ति कर आदेश दे जाते हैं। तो वो भक्त ऐसे साधना करते रहते हैं, फिर कुछ कहते हैं भाई पता नहीं संत का कितना अथर कितना नहीं, पर हमारा ये लाभ कर गया, हमें ये लाभ कर गया, हम ये मंत्र जाप कराया कर, उन्होंने ये बता रखा है। तो ऐसे परमात्मा भी आते हैं और काल भी आता रहता है, काल के दूत भी आते हैं, लेकिन इस तरह की लीला केवल परमात्मा ही करता है जो कुंवारी गाय से दूध पीते हैं। वैसे बगैर शिशु रूप धारण करे भी आते तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है। इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 इसके मंत्र ने स्पष्ट किया है, ये देखिएगा ऋग्वेद, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा महर्षिदान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और ये मंत्र नंबर 9। अभी इमम अधन्या उत्सरणती देव धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे, इमम माने उस सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्हीं के शब्दों पढ़ते हैं पहले, शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय, अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी, अधन्या तो बिना दनाई यानी दूसरे तीसरे भी ना गर्भ रख रहा हो गाय को उसको अधन्या कह सकते, लेकिन अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी, बिल्कुल कभी भी सांड द्वारा परेशान ना की गई, अहिंसनीय गौवे, इसका अर्थ है कुंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप धारण करके जब परमात्मा आते हैं उसकी उसको तृप्ति करती है, बस इतना ही हमें काफ़ी है। अब कहने का भाव ये है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो भी यही लीला होती है, और जब वैसे भी आते हैं तो भी अपनी उस समर्थता का प्रमाण देते हैं जिसका चारों वेद गुणगान करते हैं। ये और लेखक अनुवादक है वेदों का, इसका भी देखिए ऋग्वेद भाष्यम, यह श्रीपाद दामोदर सातव लेकर 7-10 मंडल इसने किया है।
ये कहां से छपा है ये देख लो। बस महर्षि दान सरस्वती लिखा है इसके ऊपर, संपादक दान समर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। ये नौवा मंडल, नौ मंडल, नौ और सुक्त एक है, ये इधर लिखा है सुक्त एक, ये है प्रथम सुक्त, नवम मंडलम प्रथमम सुक्तम, ये प्रथम सुक्त का और इसका नौवा श्लोक है, मंत्र नंबर नौ, मंत्र नंबर नौ इसका यहाँ अनुवाद है। इमम शिशुम उस पुत्र स्वरूप सोम के साथ अधन्या धेनव उत अवध्य गौवे इंद्राय पातवे, इंद्र को पीने के लिए उस सोमरस के साथ अपने दूध को पिलाती है। अभी न कहेगा बेरा था है कोई नहीं। अब जैसे किसी परदेसी ने, विदेशी ने हिंदी सीख ली, हिंदी तो आएगी उसने, और उसको रामायण की कथा का पता नहीं, मौखिक रामायण की कथा का उसको ज्ञान नहीं, और उसको कहो कि ये अनुवाद करो चौपाइयाँ की, केरा केका की अड़ंगा करेगा। और जिसको उस याद है वो मौखिक वो कहानी रामायण की, तो फिर वो उसका सही अनुवाद करेगा। तो इस सृष्टि रचना का जो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, उस सृष्टि रचना के ज्ञान से पता चल रहा है, और परमात्मा की लीला मौखिक हमें ज्ञान है कि वो परमात्मा आए हैं, वेदों को पढ़ने से पहले हमें ये कथाएं सुनाई परमात्मा की, उस महिमा की मैं लिखी थी उनकी जीवनी में कि ऐसे ऐसे आए थे कबीर जी, ऐसे दूध पिया उन्होंने। अब गरीबदास साहेब जी को परमात्मा अपने सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, और वहाँ ऊपर के लोगों का, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का पूरा ज्ञान करवाया। इस काल को दिखाया कि ये काल है, ये ब्रह्म जो ब्रह्म कहलाता है, और इसको श्राप लगा हुआ है, साप लगा है 100,000 मानव श्रीधारी प्राणियों का नित आहार करने का। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्र एक एक गुण युक्त कर दिए, अब उनका स्वभाव ऐसा बना दिया उनके बस की बात नहीं। अब जैसे मिर्च में गुण है, अब मिर्च का के दोष है, उसको कोई मुंह गलाओगा, चाटेगा, खाओगा तो मुंह जलेगा उससे, चरचराट होगा उससे। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी बना रखे हैं। इनके अंदर से निकल रही वो वासना, इनके अंदर से निकल रही वो पावर शक्ति, वो निर्गुण रूप से, निराकार रूप से सबको प्रभावित कर रही है। रजगुण ब्रह्मा से निकल रही शक्ति के आधार से जीव इतना विवश हो जाता है, संतान उत्पत्ति करता है, और यहाँ के राज ठाठ बाठ की संपत्ति का भी इच्छा करता है, ये रजोगुण के आधार से, के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े रहते हैं, प्यार, ममता, मेरा, मोह, ये मोह जो है ये स्थिति, इसको स्थिति कहते हैं कि ये टिके रहें, अड़े पड़े रहें। और तीसरे में से हमारे अंदर जब क्रोध आता है छोटी सी बात पर, नौकरो क्यों फाणा जर मार दो, काट लो, नू कर दो, इन तीनों गुणों से जीव को यहाँ संचालित किया हुआ है, और जिससे 100,000 मानव श्रीधारी प्राणी जो काल खाता है उसके लिए व्यवस्था इसने करवा रखी। और जहाँ ये बैठकर वो 100,000 मानव श्रीधारी प्राणियों के शरीर आहार करता है, वो भी दिखाए परमात्मा ने कि ये है वो तपतशिला भाई गरीबदास जी, देख बेटा। और वो काल दिखाया, वहां पर काल के, इस काल के सिर पे पैर रखकर, ये काल जो है
ज्यादा ध्यान ऊपर रखता है अपने 21वें ब्रह्मांड के उस अंतिम द्वार पर जो परब्रह्म प्रवेश करता है, उस गेट पर चौकीदारा खुद देता, वहां किसी को नहीं जाने देता, कोई जा ही नहीं सकता। इतनी इसने वहां पर ऐसी विद्या छोड़ रखी है, ऐसी शक्ति छोड़ रखी है, वहां तो केवल कबीर परमात्मा का सारनाम युक्त प्राणी ही जा सकता है। और इस सारनाम प्राप्त प्राणी जो नियमित लगा हुआ है अंतिम सांस तक, जब वो जाता है तो ये काल का सिर नीचा हो जाता है, वो गेट ऊपर का दरवाजा खाली हो जाता है जहां इसने सिरड़ा कर बैठा है। तो परमात्मा ने जब वहां गए गरीबदास जी को लेकर गए तो काल ने सिर नीचा कर दिया अपने आप, क्योंकि उस शक्ति के सामने, उस भक्ति के सिमरण के सामने और परमेश्वर के सामने इसके बस की बात नहीं, वो सीधा अपने आप झुक जाता है ऐसे सिर। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास साहेब जी को परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए सचखंड लेकर गए। जब सतलोक में गरीबदास साहेब जी बालक गए, वो आत्मा गरीबदास वाली आत्मा, तो वहाँ ऊपर जाने के बाद ये सुख शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा ऊपर पहुँच जाती है उसी रूप में, और वहाँ सतलोक में इस जीव आत्मा का शरीर तो ऐसा ही है मनुष्य जैसा, लेकिन इतना तेज हो जाता है, इतना नूरी हो जाता है जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो, इतना सुंदर शरीर बन जाता है। अब ऊपर जाकर देखा कबीर साहब जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे परमेश्वर, और ऊपर देखा कि एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज में, गुंबद में, और नीचे सुंदर तकत लगा हुआ है सिंहासन, उस पर परमात्मा विराजमान है पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष, उनके शरीर की शोभा इतनी है, इतनी आभा है कि करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उन दोनों की मिली जुनी रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी, यानी इतना सुंदर, इतना तेज उस परमात्मा का। तो नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर गए थे और वहां चमर उठाकर और उस सिंहासन पर विराजमान परमात्मा सत्पुरुष पर उठाकर करने लगे, श्रद्धा से चमर कर रहे हैं। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान है सतलोक काला मालिक, ये सत्पुरुष है, और ये बाबा जी तो यहाँ का नौकर है, इतना सोच रहे थे उसी समय वो तकत पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो उसी सिंहासन पर विराजमान हुए, और वो तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा पर चवर करने लगे नौकर की तरह। अब गरीबदास जी बालक थे, सोच रहे थे भाई बाबा जी के तो चालाए है जिस पर भगवान भी चवर कर, जिसकी सेवा करता है यू, या नहीं समझ में आई। इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर जो था वो जिंदा वाले शरीर में समा गया, वो जिंदा महात्मा, वो कबीर परमात्मा जो सतलो नीचे से लेकर आत्मा को गए थे गरीबदास जी वाली को, अकेले तख्त पर बैठकर पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, और चमर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है वाले की सेवा में। तब गरीबदास जी ने चरण पकड़ दिए, कहने लगे हे बाबा जी आप तो भगवान थे, आप तो परमात्मा हो, मैं नहीं समझ सका आपको, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले बेटा जाए वापस, अब तो लौट कर जा और मेरा प्रचार कर, गुण गा, उस बोली आत्माओं को समझा दे जो काल के जाल में फंसे पड़े हैं बेटा। गरीबदास जी रोन लगे, कहने लगे महाराज जी मुझे वापस ना भेजो, वो किसका मार कौन बाप, दादे मरगे पड़ दादे मरगे, माँ बाप भी मरेंगे, राम भी मर जाएंगे, वहाँ तो अपना कुछ है ही नहीं। जबकि गरीबदास जी के यहाँ पर 2500 बीघा जमीन थी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला किसी जमीन, उसी इस जमीन पर करोड़ों अरबों लोग कब्जा कर कर मर गए, लड़ाई कर कर गया, मेरा ये मेरा लड़ा, कोई भी कोनी बच्चा यहाँ पर। रोन लग गए, अन्यों के बाबा जी मनो मत भेजो भगवान, गंदा लोक है उधर, जानने जी नहीं करता।
परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, जो हमारा उद्देश्य वो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा कि तेरे और आत्मा तेरे बाण भाई बहुत फंसे पड़े, उनको निकालने के लिए तेरी आवश्यकता वहां पर, और तू मेरी महिमा का गुणगान कर दे, वहां लिपिबद्ध कर दे इस ज्ञान को, काल के दूतों ने उड़झा रखा है इस ज्ञान, और फिर मैं तुझे लाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। तब कहा प्रभु मेरे से दूर ना होना, नहीं तो वहां विचल जाऊंगा मैं, जाकर के विचलित कर लेंगे मुझे, इतना जुगाड़ जीव के बस का क्या कि वहां एक कदम भी रख दे मालिक तेरे मार्ग पे, आप दया करिए। परमात्मा बोले तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, चिंता मत करिए। उधर से क्या हुआ कि वो बच्चे जो पाली गवाले थे, गऊ चरा रहे थे, उन्होंने देखा एक घंटा दो घंटे के बाद, देखा कह रहा वो बच्चा कहाँ, क्यों गरीबदास जी गांव करोथा के थे, गरीबदास जी के माता पिता गांव करोथा के थे, और जो उनके पूज्य पिताजी बलराम जी थे वो छोड़ानी ब्याह रखे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वहां पर, और बलराम जी वहां घर जमाई रहा करते थे, क्योंकि गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माता जी का भाई नहीं थे, और लगभग 2500 बीघा पुराना बीघा, अब के तो 1400 एकड़ जमीन समझ लो, 1400 एकड़, इतना वहाँ ठाठ बाठ भी थे, जिसको ठाठ बाठ कहते हैं, अच्छा घी दूध का खाना, नौकर काम करा करते, लेकिन फिर भी उस सतलोक की तुलना में नरक दिखाई दिया। उधर से क्या किया कि वो ग्वाला ने सोची, अगर चल उस छोरी के छोरे ने लाओ ढूंढ के बन जा कि बैठा है, काफी देर होगी हमने गऊ घेर रहे हैं, अब उसका नंबर है, लाओ अपनी गऊ घेरेगा। अरे बाबा जी चला गया कि बैठा है वो, दो घंटे पीछे ध्यान आया वो कि तो दूर गऊआन चराते चराते चले गए। उन्होंने देखा जाटी के नीचे बाबा जी तो है नहीं, लेकिन गरीबदास वो बालक बैठा है, ऐसे यूं बैठा है। उन्होंने आवाज लगाई रहा गरीबू गरीबू, कहा करते थे गरीबू, क्योंकि कई वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी बलराम जी के, और नदीद से में एक बालक हुआ उसका नाम बुंडाहा रखा करते, किसी का भुंडू किसी का सुंडू, कदे टोकना हो जा तो गरीबू नाम रखा उसका, गरीब गरीब सा नाम रख दिया भाई, टोकना हो जा बालक के तो गरीबू कहा करते, गरीब को गरीब नाम रख लिया, गरीब नाम रख दो। तो इन्हें बोले रहो गरीबू तो बैठा भाई बाबा जी दिखता नहीं, आवाज लगाई रहा गरीबू आ जा भाई, तेरा नंबर आ गया, अपने गाँव घेर ले, गवों का पाली खड़ा हो इधर उधर। एक आवाज लगाई दो लगाई, दूर ते ना उठे, क्योंकि वो तो शरीर रखा था, आत्मा सैर सपट्टे के लिए ऊपर गई हुई थी, परमात्मा के दर्शन करने गई हुई थी। तो पाली और निकट आए, आकर फिर आवाज लगाई, जब नहीं उठा तो इन्हें बोले रहा भगत जी खड़ा हो, इन्हें पकड़ कर लाया तो गिर गया, शरीर में कुछ था ही नहीं। अब उन्हें सोची देखा देखा अगी तो भाई मर गया थोड़ा था, लड़का तो मर गया। उसने आवाज़ लगाई वो और पाली बुलाए, भाई आ जाओ पालियो आ जाओ, छोरी का छोरा मर गया। इकलौता पुत्र 10-12 वर्ष के बाद हुआ था, अब दो जने गांव में भागे आए, 1.5 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर उन खेतों में गायें चरा रहे थे, कबलाना गांव की तरफ, छुड़ानी से कबलाना गांव है पश्चिम दिशा में, उसकी सीमा पर ये परमात्मा ने दर्शन दिए, वहाँ यादगार भी बना रखी है, एक छुड़ानी वालों ने अपने खेत में वो यादगार बना रखी, यहाँ कबीर जी आए थे गरीबदास जी को मिले थे, आज तक प्रमाण है वो। अब उसके पहले कच्चा रास्ता था, बताते हैं सड़क साथ से निकल गई, तो गांव में आए उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बाबा जी आया था, पता नहीं एक कुंवारी गाय का दूध काट दिया, हम तो नाटे थे और लड़की के लड़के ने पी लिया, वो मर गया। अब ये वचन सुनते हैं कि गरीबू मर गया, माँ बे उस पिता के चक्कर आ गए,
गांव के लोग भाग लिए, 50-40 घर होया करते, पहले छोटे छोटे गांवड़े थे, गांव थे, तो गांव वाले रोते चलाते भाग लिए। वहां पहुंचे, देखा छोरा मरया पड़ा, वहां से उसको उठा लाए। शाम का समय हो गया, चिता पर जा रखा, चिता पर रख दिया, फूकने की तैयारी कर दी, जलाने की, अंतिम संस्कार करने लगे। उसी समय परमात्मा ने उस गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया, और जो ही अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे अर्थी का ऊपर बांध जाकर कदे गिरना जाले जाते समय, अपने आप वो बंधन टूट गया और वो लड़का खड़ा हो गया। अपने आप उठ बैठा तो लोग चिंतित हो, खुशी मनाई, को हो छोरा बच गया, जी गया जी गया। अब वो परमात्मा को के दर्शन करके वो वाणी बोला जो उद्देश्य वहां से परमात्मा ने इसको भेजा था वापस, कि मेरी महिमा का गुणगान कर। तो गरीबदास साहेब जी वो अमृत वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने उनके अंतकरण में फीड कर दी थी कबीर परमेश्वर ने। यही वाणी जो दास आपको सुना रहा था, अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधारिया मुए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा ए कबीर हुआ। अब ये वाणी बोलने लगे परमात्मा, गांव वाले सोचे भाई के बोला है लड़का, पता नहीं समझ में नहीं आती, बंगाली ही भाषा बोले था। तो अब सब ने इस बात की तो खुशी मना ली, भाई मारा छोरी का छोरा जी गया। और लेकिन वो कहने लगे तो पागल हो गया, मेंटल, पता नहीं के बोल रहे हैं, आप बांड है। अब जिसने देख लिया भगवान, उसका जी आके लगेगा इस कंदे लोक में। परमात्मा तो ये वाणी बोल रहे हैं, मत दे दी है बाल गूंगे नो, मत दे दी है बाल गूंगे नो, आप गान लग रहे, कोई सुन दिया नहीं। अपने बेरा गम वाले किसी भक्ति के कराया करते, 6 महीना में एक बार शिव जी का जोत ला दिया करते। अब वो गाने अपनी महिमा सुना रहे हैं, मत दे दी है बाल गूंगे नो, मत दे दी है बाल गूंगे जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नो, जा बालम दी बल बल जावा, ध्यान लगावे ऊंगे नो, छाड़ा मूल फूल के तोड़े क्या चढ़ावे सुंगे नो, दूध गऊ दा बच्छ पिया पी गया क्या चढ़ावे चुंगे नो, या तन देह विनस जात है बोर आनियो भूंगे नो, मत दे दी है बाल मगूंगे नो, मत दे दी है बाल मगूंगे, ये तन दे हाथ ना आवे कहा करेगा रूंगे नो, ये तन दे ही हाथ ना आवे क्या करेगा रूंगे नू, मत दे दी है बाल गूंगे नू, मत दे दी है बाल गूंगे नू, नग नारायण भूल रहा क्या परख मोती मुंगे नू, नग नारायण भूल रहा क्या परख मोती मुंगे नू, गरीब दास न्यो साखा सुख है बीज न बोया डूंगे नू, मत दे दी है बाल मगूंगे नू, मत दे दी है बाल मगूंगे, नग नारायण भूल रहा क्या परख मोती मुंगे नू, नग नारायण भूल रहा कहाँ परख मोती मुंगे नू, गरीब दास यो साखा सुख है बीज न बोया डूंगे नू, मत दे दी है बाल मगूंगे नू, मत दे दी है बाल मगूंगे नू, मत दे दी है बाल मगूंगे। परमात्मा की महिमा गान लाए गए गरीबदास जी, कह जी मेरा निके बोला पाप पागल हो गया छोरा था। और वो बताया करते कि ये मन सच अच्छी भक्ति मार्ग पर लगता नहीं कुबद, और उल्टी साधना कितनी करवा ले इस पर,
पेट पर नियां चलेगा, पैदल चला जाएगा 100-200 किलोमीटर कि तो पहाड़ों पर चढ़ जाएगा दर्शन करने के लिए, और इतनी सी पगडंडी पैगा नू चढ़ जाएगा, नीचे देखो तो घीघी बन जाए उतना उतरागा जो वो, लेकिन वहां भी पहुंच जाएगा। और इसने कह दिया सतलोक आश्रम बरवाला में सच्ची भक्ति है, पूर्ण मोक्ष होता है, सब दुख दूर होते, कान्हा पे गटाल जाने का बूढ़ा किसने दे, वहाँ के वो था, कति नहीं सुनता, गुंगा हो गया, ना बोल ना जिक्र भी नहीं करता कि तौर भी अपने आत्माओं ये झूठी अफवाह फैलाई हमारे बारे में, कति नरी झूठी हैं, और किसी पर सुन दे वो इन्होंने हाँ बूढ़ा नहीं होया करता। अरे हमारे भक्त ने कहे हैं हम वहाँ जाते हैं, हमारे लड़के की ये तकलीफ थी वहाँ ठीक हो गए, इन्होंने कहा छोड़ डर कि तो दूसरा आगे भी जिक्र नहीं करे वहाँ न्यू वो सुने हुए ने दूसरे आगे भी नहीं बताओगा को, कोई न्यू को था सतलोक आश्रम करो था में ऐसा सुख हो है, जिक्र भी ना करे। और बूंदी चालू कर दी सौर एक दूसरे ने सोवा ही बता दी, तो इन्हों कहे गूंगा ये गूंगे हो जाए जो अच्छी मार्ग मिला है, यो मन गुंगा हो जाता है, उधर जिक्र भी नहीं करता, कहते बेरा पट जाए किसी ने बड़ा रोग कट रहे हैं और मोक्ष होता है, तो उसके बारे में कह रहे हैं ये आत्मा रोए है, नो कह बता के करूँ इसका, बूंदी तक कितने कवाले राछी ना बोला कति भी गूंगा हो जाता है, मत दे दी है बालम गूंगे नू, मत दे दी है बालम गूंगे नू। और कहते हैं जा बालम दी बल बल जावा जो ध्यान लगावे उंगे नू इंगे ने तो नुकार नीचे उरे ने और उंगे ने दूसरी साइड ने बोल रहे सोनीपत साइड में इंगे ने उंगे ने। तो कहते हैं उस भगवान आत्मा की मैं बल बलिहारी हूँ जो ध्यान लगावे उंगे नू माने सतलोक की तरफ ऊपर ने, नग नारायण भूल रहे ये क्या परख है मोती मुंगे नू, परमात्मा रूपी जो धन है उसने तो भूल रहे तुम, उस परमेश्वर के धन ने भूल रहे या मोती और ये हीरे जो हार ये सोने साने कहते इन तू परख दान डा इन कट्ठे करके धरन लग रहा। कहते नग नारायण भूल रहे क्या परख है मोती मुंगे नू, गरीब दासियों साखा सूखे बीज न बोया ढूंगे नू, ढूंगे नू माने यानी अच्छी खूब डट कर भक्ति ना करी इतने ऊपरले मन तक करे है सच्चे दिल तक कर, यानी गहरा बीज ना बोने से ऊपर ऊपर बीज बो दिया तो सूख जाती है शाखा, वो उगता कोई ना, उग गया तो जब 2 दिन पाछा हुआ पीड़े पीड़े होकर फसल नष्ट हो जाती है। कहते हैं ढूंगे ने गहरा बीज ना बोया इसलिए तेरी शाखा सूखेगी, अर्थात तूने सच्चे दिल तक भक्ति नहीं करी इसलिए तेरी भक्ति तेरा मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया ना भक्ति ने तुझे लाभ दिया। और परमात्मा सुनाया करते थे मत दे दी है बालम बैरेनू, मत दे दी है बालम बैरेनू, इस मन को आत्मा के साथ बांध दिया, आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया, अरे ये इसका मालिक बन बैठा है, यो मन यो काल है ज्योति निरंजन है इसका एजेंट है। अब आत्मा जब ज्ञान हो जाता है तब रोती है इस मन ने उल्टे काम कितने करवा ले हैं, और कितनी जकर जैसे कि तो कंपटीशन होता हो और जकर चल रहा है कोई वैसे भी दूर तो नहीं कह रहा भाई कंपटीशन में जाऊँगा आज वहाँ होगा, तो उसने कहा डटिए भाई डटिए कि तो होगा किस टाइम होगा और कौन कौन आओगे गाने वाले पूरी डिटेल नोट कर लेगा, और 100 काम छोड़ के उड़े बैठा पाओ उस बूंदी से और सारी रात बकवाद सुने, और कोई ये कह दे चलो सतलोक आश्रम बरवाला में वहाँ महाराज जी सत्संग करते हैं आहा अमृत बरस है, इन्हों का छोड़ डन टाइम को ना कति कान्ना पे घटाल जा सुने भी कोई ना इस बात ने, इन्हों के फालतू जाग रहे उड़े थे और वो कंपटीशन में जरूरतमंद आले जाते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं जहाँ गधे बैठे उड़ती है बैठे जाके हैं कुत्ते मुत्ते उन स्थाना बैठे सारी रात दांदरे का डेजर बूंदी अच्छी सुन के और खुश होकर आ जाते हैं। तो ये मन उल्टे काम में ज़्यादा और अच्छे काम में बहरा हो जाता, सुनता भी कोई ना करना वह घटा जा। अब आत्मा रोती है कि भगवान गरीबदास जी परमात्मा से कहते हैं भगवान फिर क्यों कृपा पड़ेगी, ऐसा बांध दिए से बेवकूफ के साथ हम बांध रखें, तो परमात्मा कहते हैं मैं आप संभालूंगा तुम मेरे वचन अनुसार चलते रहना। मत दे दी है बालम बैरेनू, मत दे दी है बालम बैरेनू।
मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गैरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गैरे नू, यो मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट बिराजे देखत ना उस चेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। अब गरीबदास साहब जी तो समझा रहे हैं कि तुम ये गलत साधनाएं कर रहे हो, संसारिक व्यक्तियों की बातों ने तो पक्की मान रहे हो, इन मुर्दों को पूजते फिरते हो, कि मंडी बना ली, कि मारा बाबा होया थाड़ा बड़कर नीचे समाधि बनाई थी, समाधि ने पूछा पूजा क्रम तय, कहते इन मरे हुए ना पूजो तुम और ना जाना सतगुरु मेरे नो, वो जिंदे सतगुरु को क्यों नहीं पूजते, और संसारिक बात लोगों ने व्यक्तियों ने दंत कथाएं बना रखी हैं कि जांडी का तागा बांध जाओ तो नीला धागा बांध दे और जांडी की जड़ में सरसों का तेल एक डाल दे तो न्यू बेड़ा पार हो जा, कि तो गंगा में नहाते हैं, कि तो जमुना में नहाने से, कि तो तीर्थ पर जाने से न्यू हो जा, उनकी तो सारी मान ली और ना बुझ जा सब जो गहरे नू, यानी यथार्थ ज्ञान सत भक्ति शास्त्र अनुकूल उसके बारे में जिक्र भी ना करता, सुनता भी नहीं, और मुर्दों से ती प्रीत लगावना जाने सतगुरु मैं रेनु, श्वेत छत्र सिर मुकट विराजे, कहते मैं देख का हूं भगवान साकार है, एक गुम्बज के अंदर बैठा है भगवान और सफेद श्वेत छत्र है उसके ऊपर, श्वेत छत्री है मालिक के बहुत बड़ा छत्र, और मुकट पैर के बैठे हैं परमेश्वर, सिर छत्र सवेत छत्र सिर मुकट बिराजय, सिर पर मुकट है मालिक का ताज है, और देखत ना उस चेहरे नू, निराकार निराकार की रटला रखी है। फिर कहते ऊंची थलियां खेती वो वही भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां पे जहां पानी लाग गया ना, कि वर्षा हो जाए, को बूंद गिर गई तो बीज गिर दिया, फिर ना वर्षा हुई तो बीज भी सूख गया, उन ऊंची थलियों पर कोई लाभ नहीं होता खेती करने का, और एक डहर पर स्थान होता है, डहर वो नीचे का स्थान होता है जहां वर्षा थलियां पोवा पानी उसी डहर में आकर रुकता था पुराने समय में, और वो उपजाऊ जमीन होती थी डहर, थलियों पर अगर दो मण किले का हो तो, और वहां हुआ 40-50-60 मण डहर में, कितना अंतर एक एकड़ में, तो ऐसे ही जिन भगवानों की जिन देवताओं की तुम पूजा करते वो तो ऊंची थड़ी मान लो, और उनको तुम पूज रहे हो अपने डर ने भूल रहे, अपने पूर्ण परमात्मा को भूले बैठे हो तुम, यानी सिंपल लैंग्वेज में भी गागा का बोल बोल कर सुनाओ था तो भी लोग नहीं कहते बावड़ा हो गया छोरा,
ऊंची थड़िया खेती ही वो ये भूल रहे नज डेरे नु। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। ओहो, ये संसार इस सुख ने सुख मान रहा, 24 घंटे आग लगी पड़ी है, किसी कोई चिंता की मौत हो रही है, उसको बड़ा सुखी भाई, उसका बड़ा सुखी है, 3 छोरे हैं, 3 लड़की, अच्छी जगह ब्याह रखी है, बढ़िया जमीन है, और वो तब मौज माच रही है। और जिसका मौज माच रही, उसने पूछा करो एक बार बैठ कर 2 घंटे उधर बैठी, के दुख उसके ऊपर पाएंगे, आप सुन नहीं सकते, इतने कष्ट, बेटी ब्याही थी उसने दुखी रखे, बटे दारू पी हुए हैं, हमारे तगड़े हैं बोलना तो शर्पाव हैं, और कोई समस्या पड़ोसी ईसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने धमकी दे रखी है, यानी 100 चिंता पाऊंगी। और कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट के चढ़ियों में मिल गया कोर्ट में, और उसका रिश्तेदार आ गया, एक दूसरे तो मिले हैं, और क्या हाल है, ठीक हो, अका ठीक ठाक, मौज हो रही है, और कोर्ट मर मौज, हे भगवान, कति दुखी आदमी जाग रहा, कोर्ट का नींबू हो जाता है, और वहां भी नौके तुमने इसको मौज कहण कहण की मौज है, थारे अंदर आग लगी पड़ी है, मेरा न्याज गवाही है, हे भगवान, कदे गवा ऐसा गवाही दे जा, आज पता नहीं आड़े बैठा लिया मैं, कैद कैद हो, वह चिंता अंदर है, और क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है, वह कहण कहण की मौज है, अंदर तो आग लगी पड़ी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब जैसे कोई शराबी पड़ा था, शराब पी के दोपहर, जून का महीना, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसमें बार पड़े पी के, और पसीना पसीना बुरा हाल, और उसको कोई कहे भाई उठ यहाँ से, आपको ले चलता हूँ, चलवा ठंड छाया में बैठा दूंगा, पानी पी ले, और उन्होंने कहा जड़ा नाम हो जा रही है, वो तो टीटी बन रहा दारू पी कर, पसीना पसीना मुँह में जागा रहे, कुत्ते मुत्ते मुँह पर उसके, मौज हो रही। तो हम यहाँ इतना कष्ट भोग रहे हैं, हमारे ऊपर तीनों गुणों का इतना दबाव, हमने ये मौज दिखाई देती है। तो परमात्मा कहते हैं संसार समझदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर देख कर, परमेश्वर की महिमा और स्थान सतलोक को देख कर आए थे गरीबदास जी, उनका क्यूकर जी लागे इस गंदे लोक में, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पहरे नु, इस समय ने याद कर करोया करोगे मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, या सच्ची भक्ति नहीं करी तो थरी ब्रान माटी रहेगी, और समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरु देव।